बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। अज़ीज़ तुलबा, ये स्टेटसेस क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर आपको गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज चीचा जिनी की तरफ से भेजा जा रहा है। मेरा नाम प्रोफेसर मोहम्मद अमजद है। आज हम जो है वेरिएशन निकालने का चौथा फार्मूला वेरिएंस और पांचवा फार्मूला सडन डेविएशन इकट्ठा ही पढ़ेंगे। तो पहले तो इसकी डेफिनेशन देख लें। इट इज़ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन। यहीं से देख लें, ये ऑब्जर्वेशन है वाई, उसके मीन वाई बार से आप उसकी डेविएशन तफरीक करने को कहते हैं। आप उनको तफरीक करें, फिर उनका स्क्वायर ले लें और फिर उनका मीन तो आप जानते हैं कि उनकी तादाद के ऊपर तकसीम कर दिया था तो मीन है। जैसे ये फार्मूला है वैसे ही डेफिनेशन है, लेकिन ये फार्मूला दिया गया फॉरन ग्रुप डाटा का, और ग्रुप डाटा के लिए वेरिएंस का फार्मूला समीशन एफ इन टू वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाई समीशन एफ। और वेरिएंस को हम जो है एस स्क्वायर से लिखते हैं, सैम्पल वेरिएंस असल होता है, तो ये एस स्क्वायर से हम वेरिएंस को लिखते हैं। इसके बाद था स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में इतना ही फ़र्क है, अगर इसका हम अंडर रूट ले लें, वेरिएंस का अंडर रूट ले लें तो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाती है। जैसे ये लिखा गया, इट इज़ अ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, यानी कि आपने स्क्वायर रूट तो लेना है लेकिन पॉजिटिव लेना, नेगेटिव साइन उसके साथ नहीं लिखना है। तो अनग्रुप डाटा के लिए फार्मूला, इसी का अंडर रूट ले लें तो अनग्रुप डाटा के लिए फार्मूला बन जाता है, और इसका अंडर रूट ले लेंगे तो ग्रुप डाटा के लिए फार्मूला बन जाता है। ये फार्मूले और इनकी डेफिनेशन याद कीजिए। इंशाल्लाह बाकी चीज़ें अगले लेक्चर में होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।